बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 लगातार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में गिरावट दर्ज करा रही है। अब सेक्निल की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर 3 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 16वें दिन 2.60 करोड़ रुपए कमाए हैं। सलमान खान कैटरीना कैफ की फिल्म का कुल कलेक्शन 273.8 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3 के कलेक्शन के आंकड़ों में 15वें दिन उछाल देखा गया था। फिल्म ने 6.75 करोड़ रुपए कमाए थे। टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 12 नवंबर दिवाली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जासूसी थ्रिलर में सलमान और कैटरीना ने अविनाश सिंह राठौर उर्फ टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई है। इमरान हाशमी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। टाइगर 3 भारतीय सिनेमाघरों के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दिवाली रिलीज बन गई है। फिल्म ने 447 करोड़ रुपए का दुनिया भर में कलेक्शन किया है। निर्माता यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर इस सुपरहिट खबर की घोषणा की है। पोस्टर के साथ निर्माताओं ने लिखा, अभी सिनेमाघरों में होने वाली हाई ऑक्टेन एक्शन को देखें। टाइगर 3 को अपने नजदीकी बड़े स्क्रीन पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में देखें, अपने टिकट बुक करें। टाइगर 3 की दुनिया भर में सफलता के बाद कैटरीना कैफ ने प्रशंसकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। एएनआई से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, टाइगर फ्रेंचाइजी ने 2012 से मुझे सिर्फ प्यार दिया, इसलिए पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इतनी गर्मजोशी मिलना एक अद्भुत एहसास है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और अब टाइगर 3। ऐसी फिल्में हैं जो एक कलाकार के रूप में मेरे सिनेमाई यात्रा और विकास का हिस्सा रही है और ये ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत संजीदा हूँ। टाइगर 3 में शाहरुख खान और पठान भी नजर आए। अभिनेता ने कैमियो भूमिका भी निभाई है। अनुभव के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से बेहतर है। जब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है तो आप ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री समझ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर जी। धन्यवाद।